KDL 50W900B, 42W900B, ऐसे बहुत सारे मॉडल्स हैं जो सोनी में। आप सीधे तरीके से अगर जो बोर्ड खराब हो, जैसे कि इसमें प्रोसेसर शॉर्ट है, ओके, तो अगर जो प्रोसेसर खराब है और आपको यूनिवर्सल बोर्ड डालना है, जो कि ये वाला या कोई भी जिसमें फुल एचडी कनेक्शन आउटपुट होता है, और ये 4K टिकॉन है इसमें, यहां पर आप देख सकते हैं ये टिकॉन 4K का है। इसमें हम 2K का टिकॉन लगा के किस तरह से इस बोर्ड को ऑन करेंगे और बैकलाइट भी ऑन करेंगे ओरिजिनल बैकलाइट से, उसके लिए कुछ मॉडिफिकेशंस हैं आपको करने हैं। पिक्चर के लिए हम बोर्ड लगाएंगे यूनिवर्सल बोर्ड प्लस टिकॉन LG का 50 पिन वाला, 50 पिन टिकॉन, ठीक है। और बैकलाइट में कुछ मॉडिफिकेशंस हैं जो कि इस प्रकार से है, ठीक है। इसकी पिन नंबर 8 पे आपको 3.3 वोल्ट देना है, 9 और 10 ग्राउंड है, आपको ग्राउंड देना है उधर, और पिन नंबर 3, 5 और 6 पे 1.5 वोल्ट रेगुलेटर से देना है। ये दोनों आप रेगुलेटर से दे सकते हैं, ठीक है। कनेक्टर नंबर 2002, उसकी पिन नंबर 3, 1.5 वोल्ट आपको देना है, ठीक है। ये ऑन ऑफ पिन है जो कि कंट्रोल जाता है, जो पावर बोर्ड में जा रहा है वो कंट्रोल पिन, ये है पिन नंबर 3, जिसको 1.5 वोल्ट आप इसी रेगुलेटर से पैरेलल कनेक्शन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया एक कनेक्शन, और इसके अलावा इसकी जो बैकलाइट की आईसी है, 22K के रजिस्टर के थ्रू, 22K रजिस्टेंस के थ्रू, 22K के रजिस्टेंस के थ्रू 1.5 वोल्ट की लाइन से रजिस्टर देना है, ठीक है। इसकी बैकलाइट की आईसी पे आईसी नंबर 7001, ठीक है। तो आपको ये 22K के रेजिस्टेंस के थ्रू 1.5 वोल्ट जो हमने यहां से रेगुलेटर से पिन नंबर 3 पे दिया है, पिन नंबर 3, 5 और 6 पे, ये जो हमने 1.5 वोल्ट दिए उसी जगह से 22K के रजिस्टर के थ्रू। अब आईसी 7001 जो बैकलाइट ड्राइव में लगी हुई आईसी है, जो कि 12 मल्टीप्लाई बाय 4 मतलब 48 पिन की है, 48 पिन आईसी, इसकी पिन नंबर 11, पिन नंबर 11 पे आपको देना है 22K के रेजिस्टेंस के थ्रू, पिन नंबर 11 पे 22K किलो ओम्स, और ये लग जाएगा 1.5 वोल्ट रेगुलेटर पे, ठीक है। सो 1.5 वोल्ट देना है आपको 22K के रजिस्टर के थ्रू पिन नंबर 11 पे, ओके। कौन सी आईसी? आईसी 7001, जो कि ये ड्राइवर बोर्ड पे है। अब मैं पूरा कनेक्शन आपको समझा देता हूं। यहां पर CN2001, यहां पर आप देख सकते हैं पिन नंबर 9 और 10 पे मैंने ग्राउंड किया हुआ है। ग्राउंड मैंने यहां से ऐसे लिया हुआ है, ठीक है। आप यहां पर देख सकते हैं ये जो आउटपुट लीड्स हैं, वहीं से मैंने ग्राउंड, यहां पर दोनों के ग्राउंड यहां कनेक्ट कर दिए, तो बोर्ड को ग्राउंड मिल गया, ओके। और पावर सप्लाई से मैंने 12 वोल्ट इनपुट दिया है यहां से, ठीक है। और इसकी पावर ऑन और 3.3 वोल्ट स्टैंडबाई को मैंने शॉर्ट कर दिया है, ठीक है, ताकि 12 वोल्ट आउट आ सके। वो आउटपुट मैंने यहां पर प्लस और माइनस दोनों 12 वोल्ट पैरेलल दिए हुए दोनों बोर्ड्स को, ठीक है। एक बोर्ड को मैंने 3.3 वोल्ट पे जम्पर लगाया हुआ है और दूसरे बोर्ड पे 1.5 वोल्ट पे जम्पर लगाया है। यहां पर आप देख सकते हैं 1.5 पे जम्पर है और इसमें 3.3 पे है, ठीक है। जो 3.3 वोल्ट का जम्पर है, ये रेड वायर मैंने यहाँ पर पिन नंबर 8 पे कनेक्ट किया हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और यहाँ पर पिन नंबर 3, 5 और 6 को शॉर्ट कर 1.5 वोल्ट, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो 1.5 वोल्ट है वो मैंने किस तरह से दिए, ठीक है। इस आउटपुट से यहाँ रेड वायर मैंने डायरेक्टली कनेक्ट किया और ग्राउंड इधर ही दिया है, जो कि 9 और 10 नंबर पे, ठीक है। तो 1.5 वोल्ट हमने 3, 5 और 6 के जंक्शन पे जो मैंने शॉर्ट किए हैं उसके ऊपर 1.5 वोल्ट रेड वायर के थ्रू दिया हुआ है, ठीक है। ये पिन नंबर 3 कनेक्टर 2002 की
पिन नंबर 3 जो है वो मैंने 1.5 वोल्ट के साथ शॉर्ट कर दिया है, जो कि इसी रेगुलेटर से आ रहा है। यहाँ पर दिखा दो, 1.5 वोल्ट जो निकल रहे हैं वो मैंने यहाँ पर शॉर्ट किया है, ठीक है, पिन नंबर 3 पर। इसके अलावा एक और काम किया गया है, यहाँ पर 22K का रेजिस्टेंस आप देख सकते हैं मैंने ग्लू गन से चिपका रखा है। ओके, ये 22K का रजिस्टर 1.5 वोल्ट लेके आ रहा है। वायर रजिस्टेंस हमने यहाँ पर पिन नंबर 11 पे IC7001 की पिन नंबर 11 पे यहाँ पर सोल्डर किया हुआ, इसका टेस्ट पॉइंट है इसी पे सोल्डर किया है मैंने। ओके, पिन नंबर 11 का। सो ये बैकलाइट ऑन करने के लिए कंट्रोल रहेगा इस आईसी का। ओके, और एक बैकलाइट ऑन कंट्रोल हमने यहाँ पर दे दिया है, ठीक है। ये भी मैं बता देता हूँ कनेक्शन पूरे, इसमें हमने 12 वोल्ट ग्राउंड और बैकलाइट ऑन हमारे यूनिवर्सल बोर्ड के साथ दिया हुआ है। यहाँ पर ग्रे वायर मेरा ग्राउंड है, ठीक है, मैंने यहाँ कनेक्ट कर दिया। और ये जो तीसरी पिन है ये बैकलाइट ऑन ऑफ पावर सप्लाई से कनेक्ट किया हुआ है। सो बैकलाइट ऑन ऑफ, अब इस बोर्ड में जाके ऑन बैकलाइट ऑन के लिए जो वोल्टेज है वी इन जो इस वायर से निकलते हैं वो आउटपुट कराएगा। बैकलाइट ऑन हमने जो दिया हुआ है इधर, ठीक है। अब कैसे दिया हुआ है ये मैं बोर्ड ओपन करके दिखा देता हूँ आपको। 28 है पिन नंबर 28, यहाँ पर पावर ऑन का टेस्ट पॉइंट है, ठीक है। उसे मैंने 3.3 वोल्ट के साथ शॉर्ट कर दिया है ताकि 12 वोल्ट निकल पाए यहाँ से, ठीक है, जो कि इस साइड से निकल रहा है इस डायोड से D6401 के। यहाँ से ये 12 वोल्ट हमने ये दोनों फिल्टर पे प्लस और माइनस पे ग्राउंड यहाँ से लिया हुआ है, फिल्टर के नेगेटिव से, और फिल्टर के नेगेटिव से दूसरा ग्राउंड, और दोनों प्लस 12 वोल्ट हमने रेगुलेटर को यहाँ से दिया हुआ है, यहाँ आप देख सकते हैं। और जो तीन कनेक्शन मदरबोर्ड में जा रहे हैं यूनिवर्सल बोर्ड में, पर्पल वायर हमने 12 वोल्ट के लिए लिया हुआ है जो कि यहाँ से सोल्डर किया है जो यूनिवर्सल बोर्ड में जा रहा है। और बैकलाइट ऑन के लिए पिन नंबर 5 पे यहाँ पर आप देख सकते हैं पिन नंबर 5 जो है वो बैकलाइट ऑन ऑफ के लिए वाइट वायर यूनिवर्सल बोर्ड के साथ कनेक्ट किया, और ग्रे वायर यूनिवर्सल बोर्ड को ग्राउंड देने के लिए यहाँ से कनेक्ट किया हुआ है, ठीक है। तो ये है सिंपल वायरिंग जिससे कि आपकी बैकलाइट ऑन हो जाएगी और यूनिवर्सल बोर्ड को 12 वोल्ट मिल जाएंगे। इसके साथ जो ओरिजिनल टिकॉन था वो ये था, ठीक है, ये 4K टिकॉन है, इस 2 चैनल 4K, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 8 जोड़ी वायरिंग्स है। ओके, और टिकॉन जो हमने अभी यूज़ किया है ये 2K टिकॉन, ये वाला। ओके, इसमें से आउटपुट जो निकल रहे हैं वो सेम है, यहाँ पर आप देख सकते हैं 4 जोड़ी यहाँ पर और 4 जोड़ी यहाँ पर, मतलब जो 8 जोड़ी इनपुट हो रहे थे इस बोर्ड में, ओके, उसकी जगह हमने अभी 10 जोड़ी इनपुट किया है और 4 जोड़ी इस साइड और 4 जोड़ी दोनों साइड में कनेक्शन जा रहे हैं। और यहाँ पर ये जो कनेक्शंस हैं क्लॉक के और ऑड इवन और VST के, वो सभी कनेक्शन यहाँ पर मैच करते हैं। ओके, सो इसके साथ टिकॉन जो यूज़ होगा वो ये वाला, ये आप बता दो। ओके, और फुल इमेज ले लो दोनों टिकॉन के साथ। यहाँ से हमने केबल जो रेडीमेड केबल है 30 पिन का वो लगाया, और यहाँ पर टिकॉन पे भी मैच करता हुआ केबल है ये। ओके, सो पट्टे सेम है, टिकॉन चेंज किया है, टिकॉन चेंज करने के साथ यहाँ पर बैकलाइट में मॉडिफिकेशन की है। यहाँ से दिखा सभी वायरिंग्स दिख जाए। यहाँ पे 2 बोर्ड्स मैंने यूज़ किए हुए हैं, एक 1.5 वोल्ट आउट करने के लिए और एक 3.3 वोल्ट, ठीक है। 3.3 वोल्ट पिन नंबर 8 पे कनेक्ट की हुई है और 1.5 वोल्ट इस बोर्ड से यहाँ पर पिन नंबर 3, पिन नंबर 5 और पिन नंबर 6 पे कनेक्टर नंबर 2001 में और कनेक्टर नंबर 2002 में पिन नंबर 3 पे 1.5 वोल्ट हमने दिया है।
ठीक है। उसके अलावा पिन नंबर 11 ये IC7001 की पिन नंबर 11 पे 22K के रजिस्टर के थ्रू 1.5 वोल्ट यहाँ पर कनेक्ट किया है। इस तरह से ये बोर्ड ऑन हो पाया। IR के कनेक्शन देख लेते हैं। यहाँ पर मैंने LED वाइट जो है स्टैंड बाई के लिए रखी है, तो यहाँ LED का वायर लगेगा। जो स्टैंड बाई रेड वाला जो वायर है जो मदरबोर्ड से आ रहा है वो यहाँ लगेगा। ये जो वायर है ये 5 वोल्ट सप्लाई जो मदरबोर्ड से आ रही है हमारे जो यूनिवर्सल बोर्ड से, ओके। ये चौथी पिन ग्राउंड है, यहाँ से लास्ट से फोर्थ पिन ग्राउंड, और ये लास्ट पिन IR की है, ठीक है। तो ये कनेक्शंस आपको करने हैं। इसके अलावा यहाँ पर ये जो LED है ये वाइट LED है, जिसमें हमने जो एक LED का वायर तो यहाँ लगा दिया है, लेकिन इसको ग्राउंड देना है, तो यहाँ पर बाजू में ही ग्राउंड है, तो आप इसे रब करके इसी के साथ ग्राउंड लगा सकते हैं। तो ये आपको वाइट LED यहाँ पर मिल जाएगी। सो टोटली हमारे 4 वायर कनेक्ट होंगे इसमें। यहाँ पर एक और काम करना है, ये जितने भी MOSFETs दिख रहे हैं आपको, इसके ऊपर हमें हीट सिंक लगाना है। ये मैं जो लगा रहा हूँ हीट सिंक कंपाउंड है, इसके ऊपर हीट सिंक लगा के हम ग्लू गन से चिपका देंगे इसे। सो यहाँ पर हमने बोर्ड को कनेक्ट कर लिया है, यूनिवर्सल बोर्ड को, ठीक है। आप देख सकते हैं, आप HDMI कनेक्ट कर लीजिए और हम अब पिक्चर दिखा देते हैं। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं पिक्चर एकदम कंप्लीट है, और इसमें जो बोर्ड नहीं फिट कर सकते थे यूनिवर्सल बोर्ड, वो हमने फिट कर दिया है सक्सेसफुली। सपोर्ट करें डॉक्टरों का सुझाया न्यूरोबियन फोर्ड।